दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी वह है जिसमें लड़की के पिता के ऊपर दहेज के लिए एक रत्ती भर भी बोझ ना डाला जाए। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे मोहित ने बोली है। मुझे खुद को ऐसा ही फील होता है कि जिस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल शादी वो नहीं होती जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत लग्जरी शादी होती है। देखो दुनिया में ऐसी शादियां बहुत सारी होती है ना, लग्जरी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। ओके, लग्जरी अंबानी तक लेवल तक कोई जो है वो वेडिंग होती है, तो कौन किस कितना कंपेयर कर लेगा मतलब किसी भी लग्जरी वेडिंग से। लेकिन गाइस सबसे ब्यूटीफुल शादी वो होती है जिसके अंदर लड़की के पिता के ऊपर किसी तरीके से कोई बोझ ना हो, कोई दहेज का बोझ ना हो, तो ये शादी सबसे ब्यूटीफुल होती है। तो उम्मीद करता हूँ बीइंग कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आने वाले टाइम में जब भी शादी करो कभी भी किसी से दहेज मत लेना। आपका कोई अधिकार नहीं है उस पैसे के ऊपर जो कि एक लड़की के पिता ने अपनी लाइफ में कमाया है, जोड़ा है, कोई पेंशन का पैसा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा। ओके, आपका जो हक बनता है वो आपकी लाइफ के ऊपर बनता है। देखो आप अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो आप खुद अचीव कर लोगे, है ना। आपको लड़की की अगर कोई हेल्प मिल रही है डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, यू बोथ आर पार्टनर्स, लेकिन उनके पिता से पैसे लेना, गाड़ी लेना या किसी भी तरह के दहेज लेना उसके ऊपर अपना हक नहीं बनता है। तो प्लीज कभी भी ऐसा मत करिएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने भी नहीं किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नहीं करेंगे। और यकीन मानिए इससे अगले को भी बहुत अच्छा फील होगा और एक अच्छा ट्रू मैसेज है जो कि सोसाइटी में जाता है कि इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती है और बदलाव आता है, है ना। लोग इंस्पिरेशन बनते हैं, जैसे कि मैंने भी अगर जो ये एक 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 भैया हुआ करते मेरी कॉलोनी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, है ना, जब मैं स्कूल के अंदर हुआ करता था तब उन्होंने ऐसी वेडिंग करी थी अपनी मेरी कॉलोनी के अंदर जहाँ पे उन्होंने 1 रुपया जो कि अपने दहेज में लिया था। ओके, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। मैंने भी सोचा था कि चलो इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा तो मैं कभी भी डॉरी सिस्टम ये नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली थी और फिर मैंने भी सेम चीज़ फॉलो करी। तो जब आप भी ऐसी चीज फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत छोटे कजन्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके सोसाइटी में लोग होंगे, वो आपसे इंस्पायर होके हो जो है वो फैसले लेंगे। तो इसी तरीके से बदलाव होता है, इसी तरीके से चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को फॉलो करेंगे।